सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तारा देसी पत्रकार करमू, लाइव पड़ताल करांगे। राम राम भाई, राम राम सोनू सोनू का मकान का थोड़ा है चलो फिलहाल मैं दिखाऊंगा राजकीय माध्यमिक विद्यालय शहर और गांव का होते तो शहर है और तो गांव में शहर वाली फीलिंग है, गांव का नाम में शहर है, शहर मालपुर कतौड़ से है उसका सोनू भाई का मकान। चल भाई चल आगे, भांगड़ा चौक भी। चलो तो सोनू मालपुरिया जिस पे मतलब मैं बता दूं, मैं उसका लाइव पड़ताल करांगे। 84 क्या नाम है मुकदमे, 72 जेल की ट्रांसफर, 12 मर्डर और भाई 25 साल का जेल का तजुर्बा। कदे या पहला कट बताओ भाई, पहला कट उड़ान कर दे भाई, उड़ान कर दे भाग, नून कर दे, हाँ नून कर दे, शीशा में को दिखा दे, तो शीशा में को दिखा दे। ज्यादातर जो गैंगस्टर हो नी उनकी कोठी का पग पछता या पाओगी, यहाँ देखिए तार दिखाई, रोकिए 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 तार देख, ये बैरिकेटिंग हो रही है, देख यू कर, चल आगे चल, यो पाओगा। गले गले शेयर करते रहो भाई, लाइव पड़ताल करांगे। जो सोनू मालपुरिया है उसने आठियोग छोड़ दिया और भाई नो कहे भाई मनसा वाली जिंदगी में आ गया, शराफत की जिंदगी में आ गया, यो पाओगा। नो कर रहा है मोहित, शीशे ऊपर करो, पहले तो शीशे ऊपर करो और तू सारी चीजें लेकर उतरगा, क्यों कर देख ले, कैमरा गल फ्रंट बनाए रहा भाई। ओ स्टेज साइड में ला ले, गाड़ी साइड में ला ले, चलो चलो आप पहुंच गए हूँ, एक बार इन्हें करवा दे भाई, मारे राम राम करते मारे दर्शन अभी, चलो ठीक है। चलो ये गांव के दृश्य मनु को हूँ, दुनिया में कोई कितने चले जाइए लेकिन अपने बालकन है अपना गांव जरूर दिखाइए, तो गांव और ये तो गांव का नाम में शहर वाली फीलिंग है, शहर मालपुरिया। तो राम राम भाई, राम राम। चलो मैंने एक बात अच्छी लगी भाई, इस गांव में अपनी वीडियो खूब देखने लग रही थी, अच्छा अरे गला गला लिया रफ्तार तरीके सुती भाई भाई। राम राम, राम, राम। पहले ये तस्वीर में देखियो भाई, नुनू का बोले दाम तो देखो इस मार्ग, हम बोला इधर तुम कैसे आ, बोला पाए पाए मार दर्शक ने राम राम, अच्छा भाई राम राम भाई सारा ने की साइड, अच्छा चलो जी, मतलब जो आठ योग था वो छोड़कर इस योग पे गए भाई। यू योग में कर्मो भाई जेड़ा तय सीखा था, मैंने बहुत आदमी था सिखा लिया, और तू एक काम कर ले, तू 10 मिनट बैठ जा, मेरा पूरा हुन हो रहा है। मैं एक एक हम्बल रिक्वेस्ट करूं, हालांकि जब धार पर गया तो रिक्वेस्ट आया काम चल जाएगा नहीं करता, लेकिन एक बात कहूंगा, हमारा लाइव चल रहा है और आप 10 मिनट बाद कर लियो, मैं क्योंकि बांप भी कटवा लूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा रहा है बोले फलानी चीज वो कई बार इन्होंने कहा जा रहा भाई छोटी कौन जानती, जरम से रह जाए, जो अपराधिक प्रवृत्ति वाले कीड़े हैं कितने भीतर बस तो रहे, उसकी पड़ताल कर लेंगे भाई। कीड़े तो मेरे 25 साल जेड़ा मैं सारे मर लिए, मैं बचकाया हूँ, अच्छा कीड़े मार का लिए, कीड़े काड़े सब मर लिए। ईब तो यह सलाह है सब भाइय ने भी यही दे हूँ भाई, अपने स्वास्थ्य बढ़िया रखो और भाई अपने परिवार का मान सम्मान, अपने कुल का, अपनी बिरादरी का, अपने समाज का भाई, हम तो बस नूचा हुए हैं कि भाई सब भाई अपने सब तो पहला सवाल। चलो मैं बारी बारी तो सवाल पूछता रहूंगा, कीड़े भी मर लिए, कांडे भी काट दिए, कांडे भी काट दिए, सोनू भाई के बारे में यह भी चीज चला है बिलाई नाथन है, जो किसान वाली बात के बारे में मेरे कान गली थी कुछ बात, भाई किसान आंदोलन जो चल रहा है
इसने लेके सोनू को नाथा ने हथियार ठाणे छोड़े हैं, चलाने कौन बोल रहे, मतलब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके क्या किसान आंदोलन की नो है। अगर ये मारे किसानों कह देंगे ना अगर भाई और सभ्यता पहले बली किसकी जाएगी तो इन किसान ना खेतर सभ्यता पहले मैं खड़ा ना मरण तो डरता और अपनी सारी इच्छा पूरी हो रही है। मैं तेनू चाहू यू जीवन की इसी बढ़िया जगह लग गए जाना तो सब नए करमो भाई, पर यू नु है पाछे तो लोग नु कहा भाई देखो मानस मानस ये था हम तो इस लगन पर लाग रहे हैं सब गलत बोलत हम तो भाई नदानी थी हो जा रहे दुश्मनी आप मैं क्योंकि देखो बचपन पचपन तक आप पहुंच लिए 54-55 साल आपकी उम्र है तो नू कहे जेल के अंदर भी आप गोल्ड मेडल लेकर आए योग में। भाई मेरे पास 5 डिग्रियां है। अच्छा हाँ 3-2 दिल्ली जेड़ा की है, 3 हरियाणा की जेड़ा की है और मन कम तक कम भी गणे नहीं 5-6 हजार आदमी होता योगा सिखाई। चलो मैं योग के देखना चाहूंगा, पहले तो राम थे उन्हें पेट ने घुमा रहे वो एक बार दिखा देना राम थे उन्हों का मना मना वही हो। लो भाई फिलहाल एक जो गैंगस्टर की अपराध वाली दुनिया थे उस गहरी दलदल तबाह रह लिए फिलहाल ये दृश्य तो हम देख रहे हो, थोड़ा पीछे करके दिखा दे ये देखो इन्हें कौन सा योग बोल रहे हैं सुनो भाई भैया पेट की पेट ना घुमाओ योग हाँ निवाली क्रिया हुआ है निवाली हाँ। या जेड़ में सिक्की थी जेड़ में सिक्की थी भाई। अच्छा भाई और इसके अलावा कौन कौन से योग बोले सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार देखो भाई वो काम हो रहा है बोला डोन को पकड़ना बोला मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है डोन का पीछा तो बोले 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। तो फिलहाल सोनू भाई है जो बचपन तय 55 की उम्र में लिए और अपना आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड की बात सुन लो 84 केस 72 जेल है ट्रांसफर 4 स्टेट की जेल 25 साल का तजुर्बा और भाई कोर्टा के धक्के निरे एक किस्म समझ लो वकील वाली जिंदगी हो रही है। तो हथियारा तो लगा हुई बीवी सोनू भाई भाई हथियारा का तो करमू भाई सा है ये बाजी ने क्या हमने डिगा रखे हैं 10-12 मानस किसका अपना चौकसी तो रखनी पड़े है। 8 योग छोड़ गए मतलब जो अपराध आला 8 योग छोड़ दिया फिर आप इस योग पाए गए 4 मेडल 5 मेडल 5 डिग्री आ गई फिर आप इब राजयोग की तरफ भी बढ़ गए। भाई राजयोग तो कर्मो भाई मन तो करना नहीं। अच्छा पर नो ही अपना जीवन इन बालका के या थारी भाभी जोत बत्ती लावा ही तो। अच्छा जी भाभी जी घर पे हैं। हाँ घर पे है भाभी जी भाई। और तड़की तड़के घंटे लेने जाती है। चलो अभी रस्सा कूद के दिखाऊंगा हेलो रस्सी देख और देसी देख बिना ब्रेक क्योंकि देखो आड़ा का है सारा कुछ अपराध है नहीं आड़ते पैदा हुआ है तो जब जागो तभी सवेरा देरा है दुरुस्त आए। अरे देखियो है क्या बात है और देखो पोता पोतियां आड़ा रहा है हो रहा है जोता जोती आड़ा हो रहा है सोनू भाई। और एक और बात बता दी जो मेरे इनपुट हुआ उसकी पुष्टि कर लेंगे सुनो भाई नू कहे दिसंबर का योग बड़ा बैठा है मेरी जो पड़ताल है वह भी दिसंबर में है सालगिराह हुआ भी दिसंबर में है जेल तजी भी रिहाई हुआ वह भी दिसंबर में है और आज की पड़ताल भी दिसंबर में है और ब्याह भी दिसंबर में हुआ है। जेल में ब्याह होया? हाँ भाई जेल में हुआ था। अच्छा अच्छा ब्याह तो के था करमो भाई ऐसा है आदमी जो समझे जिम्मेवारी ही। अच्छा अच्छा ये भाई था बड़ा नरेश नाम था पुलिस में था चंडीगढ़ भाई का कुर्सी आड़े लिया बैठे जाएंगे ये तो बैठे जो एक बार शीर्षासन तो करके दिखा दो क्योंकि मैं देखो इस लाइन में बहुत से बालक का दिमाग रुझान हो रहा है अपराध की तरफ उन नाम हम बताया दें भाई लास्ट में शीर्षासन करना पड़ा है यू देखो सोनू भाई ने शीर्षासन कर लिया और घात ने खोल कर रखा पूरा भीतर छरे छुरे जा रहे ना भाई। अच्छा बच रहे हो गोली लगी जरूर थी पर शरीर तो दूरे दूर रही है उनका बाल बाल बचे बाल बाल बचे बाल बाल। अच्छा उसके बाद देखो एक अपराधी के बारे में जी तू तो कर नहीं दियो योग आज आज तू तो मैं को ना मीडिया योग करवाओगे आप मीडिया योग बाकी रामदेव तो नाराज हो सका अपने कर्मू ने योग छुटवा दिए। चलो मीडिया योग कर लिया मीडिया थेरेपी कर लिया मीडिया योग कर लिया यह भी तो थेरेपी है मैं कहूंगा क्योंकि जब अपराधी कोई हुआ है सोनू भाई उसके पास एक किस्म तो एक पूरी डिग्री डिप्लोमा हो जाए तजुर्बा हो जाए और ट्रैक रिकॉर्ड देखे रहे भाई ट्रैक रिकॉर्ड के आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा अपनी जुबानी बताओ कि आपने मतलब कौन सी फतेह हासिल कर की है भाई। हालांकि ये चीज पूछने की कौन लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस दलदल तो बह रहे हो
और बहुत से बालक की सोच इसी हो रही है जनो हम भी अपराध में जावा तो उन्होंने लेके के कहू भाई फतेह की बात नु है छोटे भाई करमो मारी वीडियो देखो हाँ देखा करो आवा मजा हाँ बिल्कुल बढ़िया एक नंबर का तो ना तो मेरा यार अपना ये खंडवा बंद का अपनी परंपरा ही चला रहा है कि तू न्यारा ही दिखा है भाई अपना देखो धर्मो भाई यार मैं आम तो अपना देसी पना ने बढ़ावा दे रहे हैं बिल्कुल भाई हमारे भाई का एक हादसा हो गया तो मर्डर हो गया था गांव में जी बड्डे का एक ही भाई डेड बड्डी दिल्ली से आई थी मैं था जेल में अच्छा। मैं तो ना तो भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होया अच्छा। ना माँ के में होया ना बाबू के में होया मेरे तो नहीं भाई इन जेल वाले ने मतलब कि दाग की भी परमिशन दी या मेरे बाग में नहीं थे भाई उनका अच्छा। हाँ तो उस टाइम मतलब जब भाई का मर्डर हुआ उस तक पहले कोई अपराध करके था आप जेल में थे भाई देखो उत्पने तो मैं शुरू ते कर दू था अच्छा अड़बैदी तो था अड़बैदी तो मैं था योग कर ला रहे योग का तो ऐसा ही भाई शरीर ठीक रहेगा तो हम अपने बालकन से मारेंगे पूछ लूं मैं देखो अपराधी कई डाल के असूल की बात हो हर चीज में असूल की बात आवे कुछ जगह अपराधी की बात करूं तो बलात्कार भी हो जी है और उन पर 420 के भी चल रहे हैं अपने कौन कौन से चल इस तरह की चीजें तो बच्चे के मेरे पे तो एक 420 और एक बलात्कार 420 और ये बलात्कार छोड़ कर मेरे पे तकरीबन सारे मुकदमे हैं और सारे हाँ बोला और कोई रहे नहीं ये आए हाँ एक देशद्रोही का नहीं है ये मेरे उसे नहीं है मुकदमे सुकदमे भाई मैं एक बार बता दूं आपने ताजा जानकारी दे दूं 7,500 लोग लाइव देखने लग रहे हैं आपने इस टाइम और आपकी एक एक बात नोटिस करेंगे बहुत से बालक हैं जिनके दिमाग में हो भाई हम भी सोनू मालपुरिया डाल बन जा सोनू आज बैठा है 55 की उम्र में आपने को बचपन में अड़बैदी रहा हूँ तो उन्होंने कहा बोला फलाना दकड़ा चोरी छोड़ के हेरा फेरी कौन छोटा बीच में कुछ जागे जागे सब तो छोटे थे घर में बढ़िया परोंदा बाबू पटवारी था जिस तो भाई बड़े थे उनसे तो कुछ मांगू था खर्चा दे देते वो तो रहे थे लाड प्यार में माँ अपना बालका ने ले जा खुआ प्या दे था वो अपना वो है बात वो गिरोह बन गया फिर वो गिरोह बन गया फिर भाई हालात ने हालात ने की बात थी भाई मैंने तो अड़ते करमो भाई अपना घर गुरु सब कुछ बेच के मैं तो अपनी बेबे का राया कर दे बालक अच्छा। तेरे एक बात मैं खोल दूं खोल दो ये जो मेरे बेटे हैं ये बड़े भाई के बच्चे हैं अच्छा। मन ने तो एक बार जुकर अपनी परंपरा है लता उड़ान वाली देशी प्रथा मोया करे मन ने तो कोर्ट से मांगी थी भाई मेरी नूर नू परंपरा हमारी हिंदू रीति रिवाज में भाई उनने छुट्टी को ना दी वो हाई कोर्ट ने लिख दिया भाई इसने गुड़गांव और जिनसी जेल में है उससे शादी होगी तो उसमें आपकी भाभी मना कर सके थे आप तो या फिर इस तरह की बात थी हालांकि क्रांतिवीर फिल्म थी जो उसमें नाना पाटेकर ने को है एक कलम वाली भाई एक दिन के लिए हमारे घर की बहू बनेगी क्या तो जब सोनू की बात आई तो सोनू ने इस चीज को स्वीकार करना जरूरी समझा या भाभी की तरफ से बात भाई ना तो भाभी की तरफ से ना क्या की तरफ से सिचुएशन के हिसाब छतरीपन वो ही हुआ है जो अपने परिवार को सही दिशा दिखावे सही चल ले सही सिस्टम रखे तो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा था मतलब जो आपका नुन कह रहे हैं गब्बर का इलाका सोनू मालपुरिया का इलाका कौन कौन सा होया करता सोनू मालपुरिया ना हालांकि आज तो आप अवार्ड लेके बैठे हो जेल की तरफ तक गोल्ड मेडल लेके बैठे हैं सोनू भाई योग में तो आपने आपराधिक जो आपकी गतिविधियां हार दी कौन सा इलाका में ज्यादा हार दी किस किस तरह के अपराध आपने कर रखे थे मतलब वो थोड़ा मेरे पा भाई यूजर से लेकर जगह यूपी हरियाणा दिल्ली पंजाब उत्तराखंड अच्छा मेरे पास 5 स्टेट के मुकदमे थे मतलब उत्तराखंड की पहाड़ी भी छोड़ी हाँ पहाड़ी भी वो पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग नहीं हारता बोला माल लेकर के काली पहाड़ी वाले मंदिर के पीछे आ जाना इस तरह के फोन फान होया कर दे हाँ जी तो फोन थे कोई ना हमारे टाइम में तो ये तो हम जेल हम चले गए जी भाई हैं सोनू जेल में भी क्या जेल में जेल में भी फोन भी रखा करते रहे भाई हमने तो जित आदमी दुखी देखा ना अच्छा। मान ले किसी को लिया अन्याय हो रहा जेल में अच्छा। आपा तो अफसरा के लिए भी लड़ लिया दे अच्छा जेल में भी अन्याय हो जाए भाई जेल की तो तू बुझ जाए ना अच्छा। मतलब की इतना बुंडा भ्रष्टाचार है अच्छा हाँ मतलब की जो भी सुप्रिंटेंडेंट भी जो गुड़गांव की जेल है गुड़गांव की जेल में सपैरस लुआ कर मेरे सामने 20-20-30-30 लाख रुपए दे बदली हो मतलब तुमने 9 लाख लग गया मर तो बड़े अपराधी दे बैठे हाँ भाई मर तो बड़े तो हकीकत में बताऊं ये राजनेता अच्छा। और ये जेल वाले अच्छा हाँ ये है बड़े अपराधी ये बड़े हम तो करके भोग तो ले हैं
इन तो भोगन का भी खतरा कोई ना मरे बेटा इन्हें तो सारा तो सौदा सरकारी। अच्छा कदे कदे सोनू भाई नू भी आई भाई सामने आपने मौत खड़ी दिखी हूँ और मन में भय हो गया वो भाई सोनू आज तो तू गया। हाँ भाई मेरी गला कई हादसे हुए, तीन बत मेरे पे अदालत में पुलिस हिरासत में गोली चल ली, बम भी फेंक के मेरे पे। अच्छा अच्छा हाँ ये 25 जनवरी 2000 की बात है। मैं अदालत में बल्कि मेरी सुरक्षा में टीसीआ मुलाजिम रहा कर दे, हर भाई इंस्पेक्टर डीएसपी की ड्यूटी रहा कर दी, मतलब कि अदालत से मैं पेश होकर निकल आ रहा तो मेरे पे गोली चली थी छत्ती तक के। अच्छा और वो सारे पुलिस भाई मैंने छोड़ कर भाज गए थे, वो चल ली को ना वो हट के चलान लग गया ना वो फिर चल पड़ी जब मैंने उसका धक्का धुक्का मारा। भाई उस दिन तो मैंने तो डरना दिया था छोड़, मैं तो जी वो मैं बचा ना उसके बाद मेरे पे 2-3 हादसे तो कस्टडी में हुए हैं। अच्छा रोज तक होया मेरे पे बम फेंकया और पुलिस के बीच में गोली चल ली पर कोने लग गई। भाई मन तो जब शुरू का हमला हुआ ना मैं तो उस चीज तनु समझ गया था भाई जिसकी आनी है जिस टाइम आनी है उसकी उसी टाइम आनी है, डरन डरने तो कोई फायदा नहीं। ये मान ले पुंजर दिया बैठे रहो वहां में, अरे भाई मतलब वो डरने की कोई वो नहीं, जिसकी टाइम पे आएगी ना उसने कोई नहीं टाल सकता। अच्छा एक चीज सुनो भाई, मैंने सुन मा जो अपराधी उसमें चले जावे और आप पर तो तजुर्बा चोखा हो गया, मेरे ख्याल से 30 साल का हो गया, 30 साल का तजुर्बा हो गया, किस कौन सी सन मांगे थे क्राइम में? मैं भाई मेरा मुकदमा तो देखो 86 में लग गया था एक। अच्छा शुरुआत को करना बोनी कौन सा मुकदमा था? हुई थी बोनी थी भाई चक्कू चक्कू रखो था पिस्तौल पस्ताल जीवती मारे मुरे तो थानी को वो नया अपराधी जाग गया था बीच। हाँ बाबू मन तारीख पे लेगा जा रहा। अच्छा 10 तारीख पे उस टाइम वो टाडा टूडा वगैरह न्यू गुरवादिया का सिस्टम था। अच्छा अच्छा 85-86 में जो गुरवादी 84 में आया था इंदिरा गांधी मेरी 86 का मुकदमा है। तारीख 86 तक जाने लगे थे। हाँ 86 फिर मेरा बाबू लेगा जा रहा मैंने। अच्छा वो फिर 5-7 महीने में कर दिया था बरी। अच्छा अच्छा फिर मेरे पे लग गया भाई 92 सन 92 में। अच्छा अच्छा मुजफ्फरनगर फिर 92 था मैं 93 फिर सोनीपत रहा और भाई 26/11/94 से तो मैं कंटिन्यू जेल में ही था। अच्छा भाई 5-4 दिन झूठे लाए दिए कुछ पार्टी बाजी में पुलिसिया दे कहूँ बल्ला ले आओ ऊँ भी पीट दे दे कहीं पर तो पीछे देकर छुटना पड़ा था। भाई फिर 5-4 पे देखे पाते फिर मैं कहूँ फरी मत पीटने में कोई फायदा है नहीं कुछ करिए ले मैं तो कह मतलब कौन सी सन में फिर बाहर आया? भाई मैं आया हूँ 17 दिसंबर 2018 ने। तो 84 में कितने मुकदमे रह रहे हैं? कोई मुकदमा नहीं भाई मैं तो सरकार ने हाँ हरियाणा दिल्ली सब ने मतलब की नू कह छोड़ दू कागज है मेरे दौरे अग भाई भी इसकी सजा पजा सारी पूरी होगी है। मैंने तो कदे कही नहीं मैं जब थारा पेटा भर जब छोड़ दियो तारीख इतनी भुगत ली होंगी सोनू भाई मतलब एक किस्म का अंदर वकील तो बन गया होगा एक भित्रे भित्रे एक वकील तो पैदा हो गया। हाँ भाई देखो डिग्री तो है कोई ना हाँ पर वकील मारे वाले वकील तो एक हार दे मैं कहूँ मखा जी वा फलानी एप्लीकेशन बोला तू लिख ले उससे बहस कर लेंगे। अच्छा मारे वकील तो मेरी एप्लीकेशन बहस कर दिया कर दे। तो अपराध की भी PhD कह सकूँ क्योंकि 30 साल का आपका रिकॉर्ड है। हाँ भाई तो अपराध में आप इतने टाइम रहे क्रिमिनल उसमें मतलब गैंगस्टर आपका एक गैंग भी रहा कितने टीम कितने सदस्य हार दी? भाई बढ़िया जाए थे जुड़िया जाए थे मरिया जाए थे छूटा जाए थे हाँ ज्वाइनिंग होने दी रहा हार दी एक आधा के तबादले कर दे हार दे एक आधा ने सस्पेंड भी कर हार दे कि नहीं सस्पेंड के सस्पेंड तो बोल लाइन नहीं सी थी कुछ तो पुलिस मार दे कुछ दुश्मन मार दे थे जो 2-4 बच्चे हैं वो अपना करके खा रहे हैं। तो आपने 12 का लगभग मर्डर करे? हाँ भाई मेरे पर 11-12 मर्डर हो गए अपहरण लूट डकैती चोरी मतलब कि सारे डाल 420 में डकैती मंत्र है 420 तो एक 420 हुए हाँ धोखाधड़ी धोखाधड़ी। अच्छा मतलब उसका बड़ी करी हाँ ना धोखाधड़ी हाँ मतलब कि भाई सारे काम करे डकैती किस टाइप के लोग आंदे डकैती तो 2-4 भाई थे अपने वो करया करते कहते जगह कितने को बैंक बुंक में ले जा रहा को पीछे पैसे टोटे में तो भाई कितने ले होते फरार थे पीछे तो अपना कितने कितने वो बात है 2 जने लाई गाड़ी बैंक का जो सब ले गए उसके खोज लिए। अच्छा आम तौर पर जिस लाइन में आप चले गए थे गांव में बढ़ना औखा हो जाए गांव में आना मुश्किल हो जाए गांव वाले की सुननी पड़े हैं और गांव वाले टोंट भी मारे हैं उसका आप सुधरण की सोचते हो गांव वाला को टोंट मार देता हो ये बनागा यू समाज से भी ये बनागा यू योग वाला बोला इतना वो कर दिए रच दिए रचने और ये मतलब उन चीजों की भी दिमाग में रन दिया कि भाई के सुनने मिली मैं करमू भाई इन चीजें तो बहुत ऊपर उठ लिया। अच्छा
रही बात गांव की, मैं तो नू कहूं इस गांव ने जितना साथ मेरा दिया ना, मेरे सामने गांव को आंडन और की अपने गांव में किसी का नहीं दिया होगा। मतलब मैं 14 साल घुमा दे, 14 साल मेरा परिवार मेरी बेबे का रहा गुआ। मैं 2009 में छुटकाया, वहां से मेरे को पुलिस ने घर से उठाकर गिरोबंदी ला दी, घर से उठाकर। अच्छा जी। और भाई फिर मेरे जो गांव थे यहाँ 10-12 गांव के सरपंच लोग इकट्ठे होकर मेरे को गुवाना गए हैं भाई। उनने फिर आंगला आईजी डीजी मतलब कि मुख्यमंत्री मंत्री सांसद सब तो मिले गांव के लौलिया। हाँ, गांव को वांड भी गल्ला हो लिया। अच्छा। फिर भाई मैं तो छुट्टी काट कर चला गया। फिर यू गांव जाकर पहले मेरे द्वारा गुड़गांव जेल पर गया 2.5 से 3 साल में मेरे गांव के भाई, हम परिवार ने उड़ा गांव में ले जाएंगे, उन्हें उड़ा बसाओगे तम ना, आड़े तम ना कोई नहीं बसन देगा, आड़े यू शायद रिकॉर्ड है पुलिस तेरे ने पहले के डाल के तो झूठे फूटे फिर मुकदमे ला देगी जो गरीब लाया है। तो भाई वो तो गांव ना भाई सारे जाकर मेरे तो परिवार ने लिया कर सरपंच बना दिए। अच्छा सर। अरे भाई यू घर घर है ना जो देख रहा तू, यू भी गांव वाले ने बना के दे रखे। अच्छा, गांव ने गिफ्ट करके। गांव ने भाई बस गसे, मतलब कि इस गांव का अपने पे तो ना मतलब कि 7 पे तो क्या अगर जन्मा की, पर हम तो नू बताओ 7 से जन्म भी अगर मतलब कि इनका शान उतारना चाहूँ ना, मेरे इस गांव का शान नहीं उतर सकता। मतलब वो डायलॉग नहीं बोला, तूने क्या सोचा था गब्बर तुझे इनाम देगा, लेकिन गब्बर तो इनाम दे दिया गांव वाले ने। हाँ भाई, गब्बर को इनाम दे दिया भाई। मैं अच्छा मैं देख रहा था सफेद झंडे लग रही है, आत्मसमर्पण के नहीं आ रहे जो युद्ध लड़ाई छिड़ रही है, सफेद झंडा ठहले हुए भाई, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया भाई। आज पुण्य जी राम राम। आज ये हमारे पितर देवता है। अच्छा अच्छा। जो हमारा हरियाणा में सब के हुआ करे तो हमारे पितर देवता है भाई, हमने यहाँ मतलब कि इन हम बसाए रखे हैं। और भाई हम तो तड़के उठ कर जोत बच्चे। चलो, इतनी बड़ी दलदल में तो बाहर लिख रहा है सोनू भाई, और कई बार इन सोचा रहे भाई नूनो का अरब लाइक जोड़ कर सारा खड़े था और किसी ने धक्का मार दिया, वो उसमें पड़ गया, वो मरण तो बचने का हाथ मारने लग गया, सारे बोले रतन तो तिरण आ गया, बोले नू बताओ धक्का किना मारा था, धक्का किना मारा था और काटे किसी ने, हो वो और बताओ। धक्का मारने वाला भी जीवे है। अच्छा। और भाई फिर काटे तो इस गांव नारी भाईचारे ने हूं मैं ना। अच्छा। मेरा तो कर्म भाई साहब मेरे तो जो जेड़ा आलू गंठे खाए ना, आलू टमाटर मेरे घर क्या बता, मेरे वहां भी नहीं पूगा हूँ। ठीक बात। अच्छा। हाँ मतलब क्या बात, देसी घी का चौक, देसी घी का के पैसे भी मेरे सामने तो बेरा ने कितना सौदा की ओड़ा भी मेरे द्वारा जेड़ा में जितने भी गरीब गरीब भाई भाईचारा था सब का मैं खुद बना कर खुआया करता। अच्छा, जेल में भाईचारा चल रहा है। हाँ भाई बिल्कुल भाईचारा चल रहा है, भाईचारा सब जगह चल। जेल में कई बार गले पकड़ लेंगे दूसरे ओड़ा भी गैंग बन चे भाई, मैंने मेरा तो 25 साल काटे तेरी या टीवी चल रहा है तो इसमें सारा सौदा देख दे भी होंगे। 10,000 लोग तो ऊपर लोग जुड़े मेरा किसी ने ना आज थी मेरा को गिरेबान पकड़ नहीं पाया मैंने। अगर भी मेरा बटन भी टूटा हुआ तू देख ले, लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई मैं। और यो एक्सरसाइज भी करो। हाँ, के बात किसी बात का भय मानो तो नू हमने देख कम ये नू बुढ़े ने देख कर शरमाया जाऊं, बालक शरमाया जाऊं, मेरा शरीर सेट रहा है को भाई इसने देख लो ना आप इन नए भाई है, इन नशी खा दूं ये मैंने देख कहीं भी शरमंदे कर ले थोड़ा थोड़ा। और भाई मैं तो करमो भाई नू एक हो जितना भी तेरे भाईचारा जितने तेरे जुड़ रहे है ना इन तो सब तनु एक हूं मेरे भाई। योग एक ऐसी चीज है एक मतलब की पढ़ाई छोड़ दे पर योग ना छोड़ दे। करो करो योग रहो निरोग, लेकिन 8 योग ठीक नहीं जो आपने 25-30 साल करा ये तो उम्र हुआ अगर करमू भाई। अच्छा। मैं 54वें साल में लग गया तो मतलब कि ये तो एक 25 के की अलग सोच हो है, 30 के की अलग हो है, 35 के की अलग हो है, 40-50 आदमी का सिस्टम मतलब कि अपने आप इतनी सोच आ जाए समाज में कैसे जीना कैसे रहना है। चलो यह भी एक आपकी खुशकिस्मती है, इतनी बड़ी गहरी दलदल खाई मत है, इतना बड़ा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बाद भी आप मेरी देसी पड़ताल में जिंदा जिंदा क्रिमिनल। ईब तो क्रिमिनल नहीं कमांगे क्योंकि ईब तो भाई अपना उसमें आ गया, तो ये भी एक मतलब वाह है खुशकिस्मती। बिल्कुल। ये तार तो भी ला रखे तो करते हैं, कैमरे ला रखे हैं भाई, कैमरे भी ला रखे नू है वो पुलिस पालिस मासूसरा को के बरा की सऊ लाना दे दे मखा भाई मैं तो आई कैमरे रे मेरे तो जिंग है मैं तो। अच्छा। अपना अपने ये तो ज्यादा ला रखे हैं भाई, कदे खाम कोई को झूठी बात बनाए दे अपने पे। हां झूठी बात बता दे और आड़ मारा कड़ा बड़न का तो भूता तो गाइड डर है मरता फालतू डर मारा बेरा नहीं लो। अच्छा आपने को सर्वसम्मति ते सरपंच ही मिली। हां भाई। अरे आपने वो 8 योग छोड़ दिया, फिर शारीरिक योग पाए, राजयोग पाए गए तो ईब नु कहे भाई परसद वाली लड़ाई भी। हां भाई जिला परसद नंबर वार्ड से
करमू भाई हमने अपनी तैयारी कर दी है तेरी भाभी की तैयारी भाई सोनू तो छुट्टी देर की कोई खड़े हो दिखा दियो इस तरह की बात तो नहीं। अरे नहीं ऐसा नहीं नहीं बताऊ वो चीजें करमू भाई 30 साल के पहले की है। ईब तो देखो जो तीस साल से पहले की है ईब तो हमने इतना ज्ञान है हम तो इसी शिक्षा कौन दे सोने का बीबी तो मार पीट ये चीजें अपने है ही नहीं मतलब आपा तो ना शांति से योग करा और परिवार का पालन पोषण करा और भाई थारे वर्गे भाई आ जा ठीक टाइम पर चाह पानी इज्जत हो जा तो आप तो भगवान तो नहीं माना मान सम्मान बचा रखा। भाभी जी घर पे है भाभी जी घर पे पर घर पे तो हाई को नहीं लग कित गई तो भगवान के पैर पकड़ रखे उन्होंने तो सरपतनी सरपतनी चलो ले भाई एक बार दिखा दे दृश्य सामने है के श्रीमती सुनीता दुहन उनते बात अपनी मान रेख बलन हाँ उस पर बात है बैठो आप दोबारा जो आपके पोते पोती हैं देवता देवती हैं वो क्या क्या कर रहे हैं क्या कुछ करा रहे हो भाई छोरा छोटा है सुमित वो तो जा रहा है यूएसए कैलिफोर्निया। अच्छा जी उसको तो हो गया 2.5 साल और बड़ा यूरो अमित इसने एक पोता दे रखा है मेरे तरह एक पोती ये दो आगे इन मतलब अमित कौन सा है यू अमित है यू काका का लड़का है मेरा ये गांव का ये भाई है चाचा सगे चाचा का लड़का मैं भी स्कूल लाइव करता चल रहा था नी तो कुछ बालक मिल गया मैंने पूछू था मुंह पड़े मतलब नोका ने बोला गजब का मानस है मैं पूछ का नी मैं देसी पड़ताल करूंगा तो बाहर तक पूछा रू मैं वो कह रहे थे बोला ना भाई एक नंबर का मानस है। एक एक चीज और है आप उस चीज तक खाई तक लिकट का आया तो आपने क्योंकि आपके ऊपर मैगजीना में भी खूब आर्टिकल आ लिए मीडिया में भी आ लिए तो मेरे भी दिमाग में मैं भी जाऊंगा एक बार देखांगे देसी पड़ताल में बेरा पटागा है कदे दूर के ढोल सुहाने लग गए मैं भी तो नहीं फोन में देखू था चलो अच्छा कुछ बालकों का दिमाग में नूर है भाई हम भी सोनू मालपुरिया बना या हम भी इस तरह का कर कदे वह भी नू कहने लग जाए भाई सोनू ने 30 साल आपराधिक काम करे हम भी 30 साल पास सुधर जाएंगे। तू थोड़ा बा 500 लट खा कर देख लियो उठे जाए तो बनी लियो ना उठे जाए तो अपने घर रह लियो भाई के बरे के तकलीफ आवे है मतलब लोग सिर पीतल का पाछा होना चाहिए और नू के आसान हो तो फिर पुलिस के करेगी छाती में काले होने चाहिए काले होने चाहिए आदमी बताऊ अपराधी वही बनता हकीकत में करमू भाई जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता उसके पास दो ही रास्ते होते मरता क्या नहीं करता मरो राम राम जी राम भाभी जी राम राम आ जाओ भाभी जी ना आप आना हो मेरा 16 हाथ का नहीं उधर बैठ आ जाओ। चलो मैं तो पूछ रहा था भाई साहब ने बार बार मैं भाभी जी घर पे है कौन सा देवता ने खुश करके आयो देवी माता ने आई पूछा राम राम कर दे कर दो जय कर दे बेटी ये पोती है क्या नाम इसका इसका भार्गवी नाम है जी चीकू का है जी तो मैंने को होता है भाई साहब तो बचपन में भी बचपन के दिखे हैं और आप भी कर ले रहे योग आगे जी मेरा चोट सी लगी थी रीढ़ की हड्डी मेरे गोड्डे में गैप हो गया था अच्छा तो अब तो काफी आराम है फिर मैं योग नहीं कर सकती अब थोड़ा सा उड़ान कर लो योग तो आप देखो इनका तो है शारीरिक योग आपका है राजयोग राजयोग है सरपंची वाला का भाईचारे का दिया उड़ है को मेरा कुदरती भाग में थोड़ा था तो ई भाग भाई जिला परिषद की उसमें भी हाँ जी नौ वार्ड से तैयारी कर रहे हैं जिला परिषद की तो जैसा सही होगा ठो गाँव तो मिल रहा है ऐसा ही मिलता रहा तो देखो बनते की बात सी हाँ जी बन जाएगी अनु सुन रही से महीना में सालगिरह भी आपकी हाँ भाई 10 दिसंबर न है। अच्छा जब जेल में जो शादी हुई थी जेल में हुई थी भाई गुड़गांव में बताऊं 10 दिसंबर आज 3 है नी 2 हाँ। अच्छा एक बहुत बड़ी बात है आज का दिन ऐतिहासिक भी है क्योंकि आज है 3 दिसंबर और आज चौथा चरण की मुलाकात किसाना का जो जो नेता है किसान नेताओं की सरकार की प्रतिनिधि अगले बात होगी और किसानी को लेकर के पूरा मतलब हाईवे जाम है आप भी गए थे तो आज इसलिए भी वो है तो केला गा अपने सरकार की नीति में खोट है अगर भाई किसान उछल रहे हैं केला भाई बताऊं देखो किसानों का जो सरकार में है ना 58% जो भी इनको मिलता है वो किसानों से ही मिलता है टैक्स टूक्स धन दौलत जो भी सरकार ने मिला है क्योंकि किसानों से सारा सौदा जुड़ा हुआ है इमाले ट्रैक्टर की फैक्ट्री है तो किसान ना कहे वो भी तो किसानी में आ जाए हैं
भाई और ये खार बीज और ये जो मजदूरी है सारे मतलब तकरीबन सौदा किसानी से संबंधित हैं। और ये भाई आज की तारीख है 3, अगर आज का फैसला हो गया ठीक है ना, मेरे तो 8 गांव है। अच्छा करमू भाई 8 गांव का मैं खड़ा हूँ, 8 गांव मैंने बटले करके 5-5, 4-4 गांव मैं भर कर भाई मैं तो, अगर आज फैसला नहीं हुआ ना हम भी कुछ करेंगे, 2-3 दिन हम भी अपने किसान ना खतर लाका होंगे, हमारे भाई हमारे भाई, अगर हमें नहीं आगा होंगे तो फिर कौन आगा होगा करमू भाई। बाबू जी आप क्या कहना चाहोगे किसानों को लेकर के? किसानों के लिए ये है कि भाई किसान को इसका हक मिलना चाहिए, इसकी आवाज के ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। किसान तो सारी हर 36 बिरादरी का किसान तो भला हो, चाहे गरीब हो मजदूर हो कोई भी हो, हर बिरादरी का इसी तरह भला हो है। जब यो मर जाएगा तो फिर जीवित कौन रह सकेगा। अच्छा इतना तकड़ा रिकॉर्ड है सोनू भाई का, और कदे कदे आपने नू भी महसूस हो है अंदर तय भाई मृत नू कहूंगा भाई एक अपराधी की बहू है और फलाना ये धकड़ा वो, इस तरह की कुछ आवा दिमाग में? नहीं जी बिल्कुल नहीं आंदी हमारे लिए तो सबसे मैं छाती ठोक के ये कह सकूं हूं कि ये तो बुरा वक्त तो पता नहीं किस में आ जाए। भाई मारे लिए तो एक भगवान के दर्जे के हिसाब मेरे बच्चा का मेरा मान सम्मान हर तरीके का, जैसे समाज में एक किसी डाल का भी हमारे ऊपर वो नहीं आन दिया। आपको स्वीकार भी करे है आपके पति का तो मर्डर हो गया? हाँ जी। चलो सोनू भाई क्योंकि बहुत सारे बालक की खासकर जो खुरापात है जिन जिन के दिमाग में, और मैं कहा करूँ छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक है, हमारी वीडियो देखो। हाँ जी है? बिल्कुल देखते हैं। क्या लेख जना मिला मैंने नू बोला भाई करमू भाई एक सेल्फी मैं क्या था बोला भाई मेरी बहू तेरी वीडियो देखे मारा तू कौन देखता बोले मैं भी देखू पर तो बहू का नाम क्यों तो मैंने याद दोनों देखते है मेरे बच्चे भी देखते है मेरे हस्बैंड भी देखते है। जी चलो सुनो भाई सुनो ध्यान से आप कितना अपराध में चले जाइए कड़ी चले जाइए लेकिन उस दलदल में चाहे तो उस दलदल में आप उस दलदल के कीड़े बनकर आ जाओगे उस गटर के कीड़े बनकर आ जाओगे या फिर लिकड़े आओगे। लिकड़ना है तो सोनू मालपुरिया ने समझो लिकड़े मतलब मर्डर भी हो इन पे और भाई 84 मुकदमे भी चले 72 ट्रांसफर हो इनमें भी ट्रांसफर हुए हैं। हाँ भाई नौकरी में तो ट्रांसफर सुने यार इनमें भी करमू भाई के है मान लिया हम जेल में है और कोई नया बंदूक आवे ओड़ा उन पर रुपये ठगे है इबे का गरीब आदमी उसका पहले टेंशन उसके घर वाले मुलाकात पे फिर बता दे मेरे पे पीछे मांगे है दियो जी। अच्छा वो घर के बाहर परेशान ओड़ा भीतर मानस परेशान भाई मैं उनके बीच में आ जा रहा वो अफसर फिर मैंने क्या करा था मेरा तजुर्बा था सब नु कहता भाई तेरी कोई हेल्प करेगा तो सोनू पाए जेल में उस तक करवाओ वो मेरे दुराजा भाई मारी इसी इच्छा थी हम तो नौकर जिसके भी काम आ जाए ना चाहे वो किसी भी चीज में आ जाए भाई फिर अफसर आगा मैं खटकू तो उठागा उधर तो उधर बदल दे दे बखाया दे इसने उठागा काट दो यू इनके कान में फूक मारेगा आरी ने समझा देगा भाई ये असली अपराधी तो। चलो फिलहाल एक चीज हम फिर भी कहेंगे देखो जब पुलिस की बात आओगी मैंने खाकी के बारे में कई बार बोलिया है जो भ्रष्ट खाकी है वह जो एक क्रिमिनल हो है उन्हें सुधार तो सके है लेकिन जब उसने वो यूज करने लाए जाए अपराधी ने अपराधी के कंध पे और बंदूक तो क्या कहोगे अपराधी के कंधे ने यूज करने लाए जैसे पुलिस तो अपराधी जब लिकड़ना भी चाहूंगा नहीं उन्होंने कहा बोला रांड तो रंडे पकड़ ले रंडुए भी टिके तो यह चीज भी हो जाए अपराधी जब अपराध लिकड़ना चाहे तो शायद कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले जो उसके माध्यम से पीसा खान की आदत हो रही है वो लिकड़न कौन देने यह बात सोनू भाई भी कहे भाई इसे पुलिस वाले भी देखे हैं मैंने जो जेल कर थाने का पैनी भी नहीं पींदे पैनी अपने घर तले काम है सिर्फ तनखा पे मतलब वो किसी का कोई बंदी नु कह देना पानी पिया दे तो पानी की बोतल अपनी लेके आते हैं ऐसे ऐसे पुलिस वाले ईमानदार हैं ईमानदार है ईमानदार भी है और जो भ्रष्ट है वो तो बस वो तो जो कोई कुछ बुद्ध है ना झाड़ा ले पहले तो झाड़ा ले मेरे मर गरीब आदमी ने पिट पिट कर पी ले होड़े ये बहुत मतलब की इतने लठ मारा अगले तेन ये कहना पड़ेगा करा वो भाई जो कुछ बेच बाच कर तू आड़ा दे जा मेरा आड़ा जीने रश हो रहे है। अच्छा ये देखो हूँ तो क्योंकि जो राजनीति है नी समाज नीति बिना राजनीति नहीं चलती क्योंकि पार्षद की लड़ाई लड़ोगे आप जिला पार्षद की तो उसमें और थोड़ा वो दायरा बढ़ाना पड़ेगा समाज के बारे में कितना तजुर्बा हो गया लोग बीच में जाओ हो और सुधार की बात आओगी जी समाज को उसने लेके कोई गतिविधियां कोई स्पेशल रही है आपकी? हाँ जी 30-40% तो बिल्कुल सामाजिक तरीके का ज्ञान हो गया है जैसे सबसे ज्यादा तो समस्या है ना गांव में ये होती है किसी की बहू परेशान कर रही है किसी की बेटी परेशान है किसी के ये झूठे मुकदमे हैं
नालिया की है सप्लाई, किसी के डोले ना क्या की है। 40% तो ये समस्या हर गांव में, एक मेरे गांव में नहीं है, ये पूरे हरियाणा में है। 60% ये विकास की बात है, ये विकास तो जैसे सरकार जैसे ग्रांट देगी जैसे विकास नहीं, कई बार टोया पंदा टोन दे रहा हम भी विकास ना पैसे पैसे, और विकास पावे तो राह भूलिया पावे है, उन्हें पूछा हम तो अरे विकास है बोले राह भूल रहे हैं, राह नहीं पा रहे भाई, सारा सौदा कम में हिसाब रहा है। मान लिया सरपता ने भी ग्रांट लेनी है ना, सौर चौदह को भी रिश्वत देनी पड़े, एक तो नू देख ले अगर भाई सारे तो मेरा नहीं, मेरे तो समझ में ज्यादा कुकर काम चल लगा इस देश का। वो मैं कई बार कहा करूं सोनू भाई, भाभी जी आप भी सुनियो ध्यान, मैं कई बार कहा करूं भाई, एक रिश्वत खोर ने पकड़ने खातर जी विजिलेंस जावे है, वो विजिलेंस रिश्वत लेकर रिश्वत खोर ने छोड़ा है, इस तक बटा तो क्यों उसका है, इस तक बड्डी गड़बड़ क्यों उसका, गल्लूगा रहा है। चलो फिलहाल हम तो एक के बाद कमांगे, ठीक कौन पना चलो, ठीक क्या पता चलो, और मैंने सोनू मालपुरिया के बारे में सुनया था, और मैंने आज नजदीक तभी एहसास कराया है भाई, इन अपने जीवन को बदला है, और आज वे आज ये बचपन तक पचपन में आ गए, और उन्होंने कहा रहा उत्तर की पड़ताल, इस देसी पड़ताल में एक चीज लेकर गई, वो अपराध आड़ी गहरी दलदल का कोई फायदा नहीं, उस जिंदगी दबहरिया आए अपने आप को बदलिया, 5 डिग्री आई गोल्ड मेडल लेकर आई है जेल मत है और योग के, और जिसमें कि मतलब वह न्योली क्रिया जो देख रहे थे वह तो रामदेव तो भी बेस्ट कर दी थी, मैंने देख रहा था कैमरा मरा ही है। तो फिलहाल इस देसी पड़ताल में एक ही चीज लिखकर गई भाई, अपराध में कुछ नहीं दे रहा, आप अपनी मानस जन्म जमे लिया नहीं तो इस जिंदगी ने बोले जिंदगी जीनी चाहिए शांत, और एक चीज हो रहा है ईब जो थोड़े असले उसले देख रहे हो नी, इन ने ईब ये तो सिर्फ वाह बात है, एक बार भाई वाह बात है जरूरी हो गया, इनके कहला बंद किए चीज, लेकिन इनके भीतर का अपराधी कीड़ा मर लिया, और तम भी जो दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं एक आधा के दिमाग में नू होनी भाई मम नू कर देंगे नू कर देंगे, एक छोटी बात है, एक तो शब्द हो कोई बात नहीं, और एक नू कर देंगे उसे टाइम कांड हो जाए नहीं। मैं 8 पढ़ रहा था भाई, 8वीं में मैं जेल में गया था, मैंने 10वीं भी करी 12वीं बीए मैंने जेल से ही करी है, जेल में पढ़े मतलब इस जेल की सजा काटने को क्या नाम दे, सीखा कुछ? हाँ भाई बहुत सीखा, शरीर को मेंटेन करना सीखा, गरीबों दुखों के जो अंदर इतने दुखी आदमी जाते हैं उनके दुखा का बेरा पट है, समाज की सारी जो समाज की बुराई है ना जेल में चली जाए, हम उन चीजों से नहीं सीखा भाई, इन्होंने ये गलती करी नहीं ये गलती करी, तो भाई अब सारी चीज का इतना ज्ञान हो रहा है, हम ना तो गलती करें और ना भी हम किसी गलती को सलाह दे, चलो बहुत अच्छा लगा जी मना तारा बीच में गए, और सर्वसम्मति सरपंच बन गए आप, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं, उसके सर्वसम्मति से जिला परिषद भी बन जाओ, देखो जी आपकी दुआ फीलिंग तो इस समाज की है, 8 गांव की है, मेरे गांव की है, जैसा सरपंच में सहयोग था उस तभी है ना बढ़ चढ़ के मिल रहा है, इनका शांता हम कदे तार नहीं सकते, बिल्कुल एक जीरो पे तो यूरोप बनाए है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समाज बना कैसे बन सके थे, अपने मन की तो दुनिया हीरो है, दूसरे के मन की हीरो बनना है ना बहुत ओखी चीज है, और जैसा संकट हमने झेला है हर बंदा नहीं झेल सकता, इतने दुख दरिद्र के भाई जो भी संकट हो सारे समाज में हमने झेले है हर तरह का, तो मैं ये कहूँ कि और किसी ने ऐसी मजबूरिया का सामना ना करना पड़े जैसा मेरे परिवार ने करा है, इसमें तभी समाज ने काटे है दलदल मत है, समाज बिना कुछ नहीं, जो कुछ है समाज है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इस खास सुलगती लाइव देसी पड़ताल में मेरे के लिए जुड़े, और सोनू मालपुरिया भाई के बारे में जो मैंने सुनी थी उन सारी चीजों की मैंने पड़ताल करी, अर्गण करी बात इबे मैंने वो लग गए भाई कुछ वहां पिछ रह रही होंगी, फिर दोबारा आऊंगा तुम बाप कटवा लेंगे भाई, वो भी बाप कटवा ले, मैं तो तौर एक रिक्वेस्ट करूं मेरे भाई छोटे भाई, बोलो भाई ईब जो किसान नगाड़ा चल रहा है ना ईब तो तू सारा अंगाड़ा ला दे, ला रहे हैं मेरे धर्मों से मजी लगे, आप वीडियो देखते हैं देखो मैं आप आंगा नहीं ला रहे, पर मैं आज कोई फैसला नहीं हुआ है ना तो भाई कल परसों ना फिर मैं भी अपने टोड़ गे लिया पहुंच रहा हूँ, अपना कुछ सेवा करेंगे किसान रेजिमेंट चलो कर दो ठीक बात है, उनके ऊपर टिक रहा है सारा सिस्टम, कर दो शेयर, फिलहाल इस देसी पड़ताल में जो मेरे गल जुड़े हैं इस वीडियो ने बाद में भी देखते रहोगे जो शेयर कर दे रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान, ठोको शेर शेरिंग का दुमड़ा भाई, राम राम भाई सारे।